अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 1, सब्जेक्ट ड्राइंग। माय नेम इज़ हुरिया मुनीर एंड आई एम योर ड्राइंग टीचर। स्टूडेंट्स, टेक आउट योर ड्राइंग कॉपीज। स्टूडेंट्स, पेज प्रिपेयर करें विद मार्जिन लाइन एंड डेट लाइन, डेट मेंशन करें। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फोर्थ डायग्राम ड्रॉ करें जो कि है ट्री। चलें स्टूडेंट्स, ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ट्री का ट्रंक ड्रॉ करने के लिए कर्व लाइन यूज़ करेंगे, तो आपने कॉपी के सेंटर में इसको ड्रॉ करना है। चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में, और आपने सेकंड कर्व लाइन जो है इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, हमने ट्री का ट्रंक ड्रॉ कर लिया है, अब हम ट्री की ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर वी शेप की मदद से ट्री की ब्रांचेस ड्रॉ करनी है। अब स्टूडेंट्स, आपने ट्री का ग्रीन पोर्शन ड्रॉ करने के लिए क्लाउड लाइन की मदद से इसको ड्रॉ करना है, जैसे हम सीनरी में क्लाउड्स ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर ट्री के लास्ट में, लास्ट वाले पोर्शन में इसको ऐसे कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, हमने ट्री ड्रॉ कर लिया है, अब हम करेंगे इसमें कलर्स। मोस्टली ट्री जो होते हैं वो डार्क या ग्रीन कलर में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ट्री के ट्रंक में ब्राउन कलर करना है, और ट्री की ब्रांचेस में भी आपने ब्राउन कलर करना है। और यहाँ स्टूडेंट्स, आपने यहाँ ट्री के ग्रीन पोर्शन में आपने ग्रीन कलर करना है। स्टूडेंट्स, कलर आपने केयरफुली करने हैं, कलर की डायरेक्शन आपकी एक ही हो और कलर आपकी डायग्राम से बाहर ना जाए। चलें स्टूडेंट्स, कलर करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, हमने ट्री में कलर कर लिए हैं, आपने भी ट्री में केयरफुली कलर करने हैं। कलर्स करने के बाद आपने नीचे एंडिंग लाइन मास्क लगानी है। स्टूडेंट्स, आपने इसको अपने ड्राइंग की कॉपी में ड्रॉ करने से पहले आपने रफ कॉपी पे 3 to 4 टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप परफेक्टली ड्रॉ करना सीख जाए तो तब आपने इसको अपनी ड्राइंग की कॉपी में ड्रॉ करना है और फिर इसमें कलरिंग करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, गो टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, पेज प्रिपेयर करें विद मार्जिन लाइन एंड डेट लाइन, डेट मेंशन करें। अब हम फिफ्थ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि है वॉल क्लॉक। स्टूडेंट्स, हम वॉल क्लॉक जो है रेक्टेंगल में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप 0 to 12 सेंटीमीटर एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करें। और स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजेंटली, अपवर्ड में भी आप 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। स्टूडेंट्स, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, अब हम यहाँ इनसाइड में एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो क्लॉक का पेंडुलम जिसमें ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर आपने मिड में 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। इन टू लाइंस को स्टूडेंट्स आपने ज्वाइन कर लेना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने स्मॉल ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट के साथ सर्कल ड्रॉ करना है। आपने यहाँ सर्कल जो है वो मिड में ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम सर्कल में टाइम मेंशन करेंगे, और यहाँ आपने क्लॉक की नीडल्स ड्रॉ कर देनी है। और स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पेंडुलम ड्रॉ कर देना है, स्ट्रेट लाइन लगाएं और यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर दें।
स्टूडेंट्स हमने क्लॉक ड्रॉ कर लिया है, अब हम करेंगे इसमें कलर्स। स्टूडेंट्स आपने क्लॉक के इस पार्ट में ब्राउन कलर करना है, यहाँ आप इस रेक्टेंगल में येलो कलर करेंगे और यहाँ आपने क्लॉक में ब्लू कलर करना है और यहाँ पेंडुलम में भी ब्लू कलर करना है। चलें स्टूडेंट्स कलर करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स हमने क्लॉक में कलर कर लिए हैं, आपने भी इसमें केयरफुली कलर करना है, कलर आपकी शेप से बाहर ना जाए और कलर डायरेक्शन जो है वो एक ही हो। स्टूडेंट्स आप अपने कॉपी में वॉल क्लॉक ड्रॉ करने से पहले इसको रफ कॉपी पे 3 to 4 टाइम ड्रॉ करें। जब आप परफेक्टली ड्रॉ करना सीख जाएँ तो तब आपने इसको अपनी नीट कॉपी पर ड्रॉ करना है और इसमें कलर्स करने हैं। स्टूडेंट्स आपने एंड में फिनिशिंग लाइन मस्ट लगानी है। नाउ स्टूडेंट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स पेज प्रिपेयर करें विद मार्जिन लाइन, डेट मेंशन करें और काइट की हेडिंग दें जो हमारी 6th लास्ट डायग्राम है। चलिए स्टूडेंट्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमने 10 सेंटीमीटर की एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी है। और स्टूडेंट्स आपने यहाँ 5 पे ऐसे मार्क कर देना है, 10 का हाफ 5 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने स्केल को ऐसे रखना है, ये 5 आपका इस पॉइंट पे आना चाहिए और आपने 10 सेंटीमीटर की हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है स्केल की मदद से। स्टूडेंट्स हमने ये शेप ड्रॉ कर ली है, अब आपने यहाँ इस कॉर्नर में ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। और स्टूडेंट्स आपने यहाँ इस कॉर्नर से वेवी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है काइट की टेल के लिए और इसके ऊपर आप ड्रॉ करें क्रॉस। अब इन क्रॉस को आप इस साइड से ऐसे ज्वाइन कर लें। स्टूडेंट्स हमारी काइट ड्रॉ हो गई, अब हम करेंगे इसमें कलर्स। आप काइट के इस पार्ट में और इस पार्ट में ऑरेंज कलर करें और काइट के इस पार्ट में और इस पार्ट में आप पर्पल कलर करें और काइट के इस पार्ट में आप रेड कलर करें। स्टूडेंट्स हमने काइट में कलर्स कर लिए हैं, आपने भी केयरफुली इसमें कलर्स करने हैं, कलर्स आपकी शेप से बाहर ना जाएं और आपने इन्हीं कलर्स को रिपीट करके काइट की टेल में भी कलर्स करने हैं। स्टूडेंट्स आप इस काइट को अपनी नीट कॉपी पर ड्रॉ करने से पहले रफ कॉपी पर 3 to 4 टाइम ड्रॉ करें। जब आप परफेक्टली ड्रॉ करना सीख जाएं तब आपने इसको नीट कॉपी पर ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ मिड टर्म सिलेबस। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।